मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के हनुमान पड़रा गांव में रात की घटना ने क्षेत्र के लोगों को ही नहीं अपितु जिसने भी इस घटना के बारे में सुना सभी का दिल दहला गया और रूह कांप उठी। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक घुटरू के बेटा राम मुहूर्त घटना के वक्त अपनी छत पर सो रहा था। कुछ दिन पूर्व पड़ोस में रहने वाले युवक से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बदले की भावना से पड़ोसी युवक ने राम मुहूर्त के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मौके पर 100 नंबर की गाड़ी पहुंची और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद पूरा परिवार डरा हुआ और सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अगर पीड़ित राम मुहूर्त का बेहतर इलाज नहीं कराया गया तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है और यदि उसकी ज़िंदगी बच भी जाती है तो जीवन भर के लिए अभिशाप होगी। समाज का विकृत रूप उसके चेहरे के माध्यम से समाज को मुँह चिढ़ाता दिखाई देगा। इस घटना पर ऐसी सजा देने की अपील पिता द्वारा की गई है जिसके बाद दोबारा से इस प्रकार की घटना समाज में ना हो सके। 5-6 दिन पहले ये सब का झगड़ा लड़ाई हुआ था दोनों लड़के को, पता नहीं किस बात में। ओकरे बाद उसने सबने धमकी दिया और फिर 9 तारीख के 1:30 बजे रात को छत पर पीछे से दूसरे के छत पर से चढ़ के आ करके ऊपर की रात भूषण और रवि जो था उसका चचा और नीचे तो जब झगड़ा सूचना हम पा रही हमको पता भी नहीं था। जब तो यही हो गया तब हम मालूम लग गए ऐसे बारे में। क्या करते हैं? मिस्त्रियाई करता था जी, बताए था और पास लिया जाए समझम नहीं आता। ऐसी कौन सी दुश्मनी? लड़का लड़का की बात नहीं, हमें हमें तो मन में आए जैसे हम 3 बार काम कर जाते हैं शाम को खावा सूते फिर वापस अंदर फिर काम चल गया। हम सोचा भाई लड़का हम गाँव में हो जाते दिया था।